हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन सा आई शेडो पैलेट एंड आपको आई ग्लिटर अपने वैनिटी में रखना चाहिए। जी हाँ, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट है, बिगनर्स है, फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं या फिर आप मेकअप सीख रहे हैं, तो आपको कौन कौन सा पैलेट लेना चाहिए, मैंने आपको अफोर्डेबल से लेकर हाई ब्रांड का भी बताया एंड एक नॉलेज दिया आपको कि आप कौन सा ले सकते हो अफोर्डेबल में, कौन सा ले सकते हो हाई ब्रांड में, जो कि वर्थ बाइंग है आपको की मेकअप वैनिटी में रखना है। जरूरी नहीं है कि मैंने जितना आपको दिखाया सब आपको लेना है, क्योंकि बहुत सारे पैलेट मेरे पास है, बट मैं गिन चुन के ही आपको दिखाऊंगी ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि फ्री होता है। एंड हाँ गाइज, अमेजोन पे ना स्टार्ट हो चुका है अमेजोन प्राइम डे सेल, जो कि इंडिया का बिगेस्ट सेल है, तो आपको ना काफी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। 80% तक आपको ऑफ मिलता है फेवरेट ब्यूटी एंड फैशन के प्रोडक्ट पे, एंड 25% का कैशबैक भी है फर्स्ट परचेज पे। सो मेक श्योर आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लोगे सारे डिटेल्स के लिए। सो चलिए हम वीडियो को अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने ना अपने सारे पैलेट को निकाल के रखे है, आप देख सकते हो, जो मैं ना पर्सनली यूज करती हूँ अपने क्लाइंट के ऊपर। सो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको अफोर्डेबल से बताती हूँ, देन मैं थोड़े महंगे पे जाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं अफोर्डेबल में आप कौन सा आई शेडो पैलेट ले सकते हो। अफोर्डेबल में आप ले सकते हो ये मार्स का मेसमराइज आई शेडो पैलेट। ये आई शेडो पैलेट अंडर 200 रुपीज का एंड काफी ज्यादा अच्छा आई शेडो पैलेट है। इसमें आपको काफी अच्छे अर्दी टोन मिल जाते हैं, वार्म टोन मिल जाते हैं एंड काफी अच्छे अच्छे मैट शेड आपको मिल जाते हैं, जो कि क्वाइट पिगमेंटेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड आपको ग्लिटर भी मिलता है, शिमरी शेड भी इसके काफी ज्यादा अच्छे है। सो अगर आप मेकअप सीख रहे हो, बस जैसे कि स्टार्ट कर रहे हो ना, बस स्टार्टिंग आपका पीरियड है, तो आप ले सकते हो, क्योंकि अंडर 200 रुपीज का है। सो ये हमारा फर्स्ट पैलेट है जो कि मुझे काफी पसंद आया, इसमें से मैंने शेयर किया एंड मैंने इसका काफी यूज भी किया हुआ है। नेक्स्ट पैलेट है वो है रेने का। सो इसमें ना मेरे पास इनका 3 शेड है, जैसे कि आप देख सकते हो 01, 02, 03, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। सो ये जो रेने का आई शेडो पैलेट है, इसमें ना आपको अलग अलग मिल जाएंगे 1, 2, 3 में, मेरे पास तीनों है। काफी अच्छा पैलेट है किसी को गिफ्ट करने के लिए, या फिर आपको हैंडी पैलेट ढूंढ रहे हो ना, जैसे कि आपको छोटा सा पैलेट चाहिए जिसमें आपको मिरर भी मिल रहा हो, तो आप इस पैलेट को ले सकते हो। ये अंडर 600 रुपीज का आप देख सकते हो, थोड़ा सा ये महंगा है मार्स पैलेट से, बट इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, इसके शिमरी शेड काफी अच्छे है। मैं आपको ना बस थोड़ा सा इसका पिगमेंटेशन दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो ये किसी हाई ब्रांड के शिमरी शेड से कम नहीं है। सो आप इस पैलेट को भी ले सकते हो, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, मैं इसका यूज करती हूँ, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट बारी आती है आई शेडो पैलेट की, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट आई शेडो पैलेट है एंड जो मैं आपको बोलूंगी आपको अपनी मेकअप वैनिटी में रखना ही रखना चाहिए। जैसे कि आप ये दोनों मान लो नहीं लेना चाहते हो, आप स्किप कर देना, बट अगर आप ये दोनों पैलेट ले लोगे ना, तो बहुत ही आप सॉर्टेड हो जाओगे। ये एकदम डुप्लीकेट है, आप समझो हुडा ब्यूटी का, मैं सच बोल रही हूँ। अभी आपको ना स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगी, आपको खुद लगेगा कि डुप्लीकेट है। ये है फॉरएवर 52 का समर ब्रेज आई शेडो पैलेट, ये है बेरी ब्रेज, मेरे पास दोनों वेरिएंट है। ये आपको हो गया वार्म कलर से आपको मिल जाते हैं, अर्दी टोन थोड़े से इसमें है, फिर इससे आप हल्दी लुक कर सकते हो, ब्राइडल लुक कर सकते हो, मेहंदी लुक कर सकते हो, मतलब येल्लो भी हम यूज करते हैं मेहंदी में। बहुत अच्छा पैलेट है, ब्राइडल भी बहुत अच्छे से यूज होगा एंड हल्दी ब्राइडल बहुत अच्छे से यूज होगा। ये जो आई शेडो पैलेट आप देख रहे हो, ये एग्जैक्टली ना रेप्लिका है हुडा ब्यूटी का। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ, आप देख सकते हो एक हुडा ब्यूटी का पैलेट आता है सेम उसी का, आप समझो ये रेप्लिका है। एंड हुडा ब्यूटी का एक मर्क्यूरी आई शेडो पैलेट आता है, जो कि आप जानते हो कितना महंगा है, बट इसमें सिमिलर शेड आपको मिल रहे हैं। ये थोड़े से पिंक टोन में हो गया, कूल टोन में, तो आपको ना अपनी वैनिटी में वार्म कलर तो रखना ही रखना है, आपको पिंक टोन भी रखना है, पर्पल टोन रखना है, जैसे कि हम इसे ना वार्म टोन बोलते हैं, इसे हम कूल टोन बोलते हैं। सो इस तरह का वेरियंट आपको रखना ही रखना पड़ेगा, क्वाइट अफोर्डेबल अंडर 1500 रुपीज का है, सो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप कुछ नहीं लेना चाहते तो आप ये दोनों भी ले लोगे तो आप सॉर्टेड हो। तो ये हमारा नेक्स्ट पैलेट है, मैं आपको पिगमेंटेशन थोड़ा सा दिखा देती हूँ, कि सबका पिगमेंटेशन तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको पिगमेंटेशन दिखा रही हूँ,
आप देख सकते हो काफी पिगमेंटेड है एंड मैं इसका भी आपको पिगमेंटेशन दिखाती हूँ, काफी अच्छा। आप ये ना एंगेजमेंट ब्राइड के ऊपर भी यूज कर सकते हो इस पैलेट का, देखो आप कितना पिगमेंटेड एंड इसका शिमरी शेड कितना प्यारा है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आई शेडो पैलेट जो कि मैंने बहुत यूज किया एंड मेरे ना बहुत से सब्सक्राइबर ने परचेज किया मेरी वीडियोस को देख के, वो है आई मैजिक का आई शेडो पैलेट। ये अंडर 1000 रुपीज का आई शेडो पैलेट है। अगर आप अच्छा कोई पैलेट ढूंढ रहे हो कलरफुल में जो कि अफोर्डेबल भी हो तो आप उसको ले सकते हो, जिससे कि आपको आजकल तो आप जानते ही हो कि पॉलीक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक फिर आप देखते होंगे कि अभी कितना ज्यादा कलरफुल आई मेकअप चल रहा है। जी हाँ, प्राइड मेकअप काफी चलता है, उसके लिए पैलेट काफी अच्छा है। इसमें आपको ग्रीन की फैमिली से मिल जाता है, इसमें आपको ब्राउन की फैमिली मिल जाएगा, आपको रेड की फैमिली में, वायलेट की फैमिली में, ब्लू की फैमिली में, ग्रीन की फैमिली में, सब कुछ आपको इस पैलेट मिल रहा है, इवन ब्लैक आई शेडो मिल रहा है। तो क्वाइट अफोर्डेबल, मिरर भी है, सो आप इस पैलेट को भी ले सकते हो। इसका पिगमेंटेशन मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ना कैटेगरी डिवाइड है, जैसे कि आप इतना 6 पोर्शन देख सकते हो, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए, पर्पल के लिए, रेड के लिए यानी सनसेट हो गया, ग्रीन हो गया, स्काई ब्लू हो गया, वायलेट हो गया। सो यहाँ पे मैं इसका पिगमेंटेशन दिखाती हूँ, इसके शिमरी शेड का बहुत अच्छा आई शेडो पैलेट है, आप ले सकते हो। अगर आप ये पैलेट नहीं लेना चाहते हो ना, तो एक ना सेम टू सेम इसी का मैं दिखा रही हूँ आपको, आप ले सकते हो ब्यूटी ग्लेस का कलरफुल चार्म कलर आई शेडो पैलेट। इसमें भी ना आपको क्वाइट सिमिलर शेड मिलते हैं, जैसे कि अगर आपके पास आई मैजिक है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, अगर आपके पास ब्यूटी ग्लेस कलर वाइज आई शेडो पैलेट है तो आप आई मैजिक को स्किप कर सकते हो। ये दोनों क्वाइट सिमिलर है एंड ये भी काफी ज्यादा पिगमेंटेड है, आप देख सकते हो। अगर आपको प्राइड मेकअप करना पसंद है, एक्सपेरिमेंट करना पसंद है क्लाइंट पे या फिर खुद पे, या फिर आप सीखना चाहते हो मेकअप, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप ना तरह तरह के आई मेकअप सीख सकते हो एंड कर सकते हो, तो आप इस पैलेट को ले लो, क्योंकि इसमें आपको ना अर्दी टोन, बॉम टोन, कूल टोन सारे कलर मिल जाते हैं। सो ये बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट है, ये ना आपको मॉर्फी के आई शेडो पैलेट का रेप्लिका लगेगा एंड ये भी अंडर 1500 रुपीज का है, सो क्वाइट अफोर्डेबल, तो आप इसको भी ले सकते हो। सो ये दोनों हो गया हमारा नेक्स्ट आई शेडो पैलेट जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, वो है डेली लाइफ फॉरएवर 52 का प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट। वैसे तो ना इसकी पैकेजिंग अब चेंज हो गई क्योंकि मैंने इसको 2 साल पहले लिया था, बट मैंने इसका काफी यूज किया है। इसकी ना सिमरी शेड बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी, आप देख सकते हो यहाँ पे पिगमेंटेशन। सो अगर आप ना कोई शिमरी शेड के लिए पैलेट लेना चाहते हो जो ब्राइडल पे आप यूज कर सको, क्योंकि ये वाला जो आप पैलेट देख रहे हो ना, ये आप ब्राइडल पे ज्यादा यूज करोगे। ब्राइडल पे हम ना कलरफुल आई मेकअप ज्यादा नहीं करते हैं, जैसे कि आपने ब्यूटी ग्लेस में जो देखा कलर, फिर आई मैजिक में देखा, ब्राइडल पे हम पिंक कलर, लाइट पीच, लाइट पिंक, लाइट ब्राउन, गोल्डन, शैम्पेन, सिल्वर काइंड ऑफ शेड ज्यादा यूज करती है, तो आप इस पैलेट को भी ले सकते हो। बट जरूरी नहीं आपको सब लेना है, एक पैलेट भी लोगे ना आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे ये ले सकते हो आप साइडर के लिए, ब्राइडल के लिए एंड एक कलरफुल में आप अफोर्डेबल में ले सकते हो, ब्यूटी ग्लेस में एंड आई मैजिक में। जी हाँ, अब जो हमारा नेक्स्ट पैलेट है जो मैं पर्सनली काफी ज्यादा यूज करती हूँ एंड जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आपको लेना ही लेना चाहिए, वो है ये हुडा ब्यूटी का नॉटी न्यूड आई शेडो पैलेट। इसमें आपको टोटल अर्दी टोन के शेड मिलते हैं, बहुत ही अच्छा वाला पैलेट है, क्योंकि हम ब्राइडल को ना मोस्टली ब्राइडल को हम ब्राउन टोन, अर्दी टोन, फिर ब्लैक स्मोकी, ब्राउन स्मोकी देते हैं, फिर गोल्डन शेड यूज करते हैं, उसके लिए पैलेट बहुत अच्छा है। मैं अपनी ब्राइड के ऊपर ना ज्यादातर अर्दी टोन ही यूज करती हूँ, क्योंकि ना मोस्टली ब्राइड का जो लहंगा होता है वो मरून होता है, रेड होता है, तो उस पे उस हिसाब से ये पैलेट बेस्ट है। अगर आप इसको ले लोगे ना आपको बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं होगा। सो ये वन ऑफ द बेस्ट आई शेडो पैलेट है जो मैं आपको बोलूंगी लेने को। मेरे पास वैसे हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट भी है जो कि अगेन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ना आपको ब्राउन टोन, पिंक टोन में मिल रहा है। तो आपके पास अगर कोई ब्राइट पिंक कलर का लहंगा वेयर कर रहे हैं, मैजेंटा कलर का वेयर कर रहे हैं, तो आप उनको ब्राउन टोन नहीं दे सकते, अर्दी टोन नहीं, उसके लिए आपको ये पैलेट लेना होगा। बट मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन दिखा दिए, बट इन दोनों में अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगी ये वाला आप लेना, क्योंकि पिंक तो आपको सब में मिल जाएगा, ब्लैक आपको सब में मिल जाएगा, बट हाँ आपको शिमरी शेड के लिए पैलेट ढूंढ रहे हो ना अच्छा,
तो हुडा ब्यूटी का ये जो रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट आप देख रहे हो, इसकी जो शिमरी शेड है बहुत ही पॉपुलर है एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे भी है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगेन, वैसे तो आजकल मार्केट में बहुत सारे पैलेट अवेलेबल है, तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप ना इस पे इन्वेस्ट करो 5000 रुपीज का, उससे बेटर है कि सेल आते रहते तो आप ये वाला लेना। एंड जो लास्ट आई शेडो पैलेट है मेरा, जो कि मोस्ट फेवरेट है, जो मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, वो है बी परफेक्ट कॉस्मेटिक कार्निवल एक्सेल प्रो पैलेट। वैसे तो ये अब इंडिया में भी लॉन्च हो गया है। सबसे अच्छी बात इस पैलेट की मुझे क्या लगती है, ये बिल्कुल फॉल आउट नहीं होता है। बेस मेकअप करने के बाद भी अगर आप आई मेकअप करोगे ना, आपका जो बेस मेकअप वो खराब नहीं होगा। तो अगेन ये पैलेट थोड़ा सा महंगा है, ये 5000 का है आई गेस। तो इसमें आपको सारे कलर मिल जाते हैं, सारे, जैसे कि ब्राउन की फैमिली से आपको मिल गए, ग्रीन की फैमिली से मिल गए, ब्लू की फैमिली से, वायलेट की फैमिली से, ब्लैक के लिए आपको मिल गए, फिर आपको यहाँ पे कलरफुल आई मेकअप के लिए मिल गए, जैसे कि ऑरेंज, येलो, रेड, पिंक, पीच, सब कुछ आपको इस पैलेट में मिल जाता है। कलरफुल आई मेकअप के लिए तो बेस्ट है एंड बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। इसका जो पिगमेंटेशन है ना, वो बराबर किसी भी पैलेट का नहीं है। अगर हुडा ब्यूटी से भी अच्छा पैलेट कोई मैं बोलूंगी तो यही है, बेस्ट है। आप अगर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है तो आपकी वैनिटी में ये वाला पैलेट होना ही चाहिए, क्योंकि इसका बहुत यूज होगा, ट्रस्ट मी। बट ये आप नहीं ले सकते क्योंकि ये महंगा है। तो मैंने आपको क्या बोला, अफोर्डेबल में आप आई मैजिक ले लो, क्योंकि क्वाइट सिमिलर शेड आपको मिल जाते हैं, आप देख भी सकते हो, आपको सिमिलर लग रहे होंगे। तो ये महंगा है, अफोर्डेबल में ये ले लो। ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ब्यूटी ग्लेज ले लो, ये रहा। एंड नहीं तो आप इंडिविजुअल करके ये वाला ले सकते हो। बट हाँ, अगर आप दो पैलेट मुझसे पूछोगे ना कि कौन कौन सा रखना चाहिए आपको अपने मेकअप एनिटी में, एक आप ये ले लो जैसे कार्निवल पैलेट महंगे में, एंड एक आप ले लो अफोर्डेबल में फॉरएवर 52 का। जी हाँ, ये दोनों भी ले लोगे सॉर्टेड हो। बट अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते तो एक ले लो आई मैजिक का, एंड दो आप रख लो इस तरह के, या फिर एक भी आप इस तरह के रख सकते हो, सो आप सॉर्टेड हो जाओगे। सो ये रहे आई शेडो पैलेट के, जो कि मैंने आपको दिखा दी। यही सारे आई शेडो पैलेट में मैं ब्राइडल पे यूज करती हूँ। अब इस साल मैंने सोचा है कि कार्निवल का एक और पैलेट आता है, मैं वो लूंगी अब, तो उसका भी रिव्यू आप शेयर कर दूंगी। तो ये थे मेरे कुछ फेवरेट आई शेडो पैलेट एंड मैंने काफी ज्यादा यूज भी किया, इसलिए इसकी हालत भी खराब हो चुकी है। सो आप देख सकते हो ये न्यू है, तो आप देख सकते हो ये पूरा चमक रहा है एंड ये सब मैंने बहुत यूज किए, इस वजह से ये थोड़े से पुराने नजर आ रहे हैं आपको। बारी आती है किसकी, ग्लिटर की, क्योंकि ग्लिटर के लिए भी आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो। सो ग्लिटर के लिए ना इस तरह का बॉक्स मैंने परचेस किया हुआ है अमेजोन से अगेन। सो ग्लिटर मैं कौन कौन सा यूज करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ग्लिटर के लिए आप ले सकते हो फॉरएवर 52 की स्टार डस्ट। मेरे पास इसमें टोटल आई थिंक 8 शेड है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। सो बात करते हैं फॉरएवर 52 के ग्लिटर कैसे होते हैं, यानी स्टार है, तो बहुत ही अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल है, अंडर 400 रुपीज के, तो आप ले सकते हो। आपको कौन कौन सा शेड लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए एक इस तरह का कलर, ये एंगेजमेंट ब्राइड के ऊपर चला जाएगा, ये वाला ले सकते हो आप, गोल्ड गोबल, ये आप यूज कर सकते हो अपने ब्राइडल पे, ले सकते हो आप पिंक में, जैसे कि यहाँ पे पिंक लस्ट, ये वाला शेड ले सकते हो आप, एक इस तरह का शेड ले सकते हो, एंगेजमेंट ब्राइड के ऊपर बहुत अच्छा जाता है। फिर आपको मैं दिखाती हूँ, फिर आप ये वाला शेड ले सकते हो, थोड़ा सा ये अर्थ रेड अर्थी टोन में ये वाला शेड है, तो आपको ज्यादा नहीं ले रहे हैं, 2 से 3 शेड ले लो, आप सॉर्टेड हो, क्वाइट अफोर्डेबल, तो आप इसके काफी सारे शेड अपने वैरायटी में रख सकते हो। इसके बाद मैं थोड़ा सा महंगे पे जाती हूँ, जो इससे थोड़ा बेटर ग्लिटर है एंड थोड़ा अच्छा और परफॉर्म करता है। सो वो है किंगडम ऑफ लैसेस के ग्लिटर। तो इसमें मेरे पास 3 शेड है, एक है मेरे पास ब्राइडल ग्लो, एक सैंड एंड एक है मेरे पास पर्पल स्टार। तो ये तीनों ग्लिटर भी काफी अच्छे हैं। सो किंगडम ऑफ लैसेस के ग्लिटर भी काफी अच्छे होते हैं, अगर आप थोड़े और अच्छे में लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। मेरे वैनिटी में 3 शेड ही मैंने रखे, ये थोड़ा सा छोटे पार्टिकल्स में, थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल्स में आप देख सकते हो, तो छोटे पार्टिकल्स वाला ही आपको लेना है। आप चाहे तो सॉपीडियल का भी ग्लिटर परचेस कर सकते हो, ये सिल्वर शेड है,
प्रॉपर इसको आप ना ग्लिटर नहीं बोलने लगे, ये फॉइल पिगमेंट की तरह ये परफॉर्म करता है, तो काफी अच्छा शेड है ये 07 एंगेजमेंट ब्राइड के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट ग्लिटर एंड लास्ट ग्लिटर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है ये एलआईटी का, जी हाँ एलआईटी कॉस्मेटिक। तो मेरे पास ना एलआईटी के 3 शेड है ग्लिटर के, मैं आपको दिखाती हूँ कि लाइन से रुको यहाँ पे, जी हाँ एक है मेरे पास हार्ट ऑफ गोल्ड, एक है मेरे पास सैम्पेन विसेस, एक है मेरे पास प्रोस्लिन। सो एलआईटी के ग्लिटर ना बेस्ट होते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि मैम बेस्ट ग्लिटर बताओ जो कि बिल्कुल चौकी नहीं लगे, जो सेलिब्रिटी सब यूज करते हैं, जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं, कौन सा ग्लिटर यूज करते हैं बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट, तो वो एलआईटी का ही यूज करते हैं। जी हाँ एलआईटी के ग्लिटर से अच्छा ग्लिटर मुझे कोई नहीं लगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं फॉरएवर 52 अब यूज नहीं करती हूँ, ना मैं किंगडम ऑफ लैसेस की ग्लिटर यूज करती हूँ, जबकि उसकी प्राइस 650 रुपीज है। मुझे लगता है कि 1300 रुपए का ये एक है, बट ये बहुत अच्छा ग्लिटर है। बार इसको ले लोगे ना तो आप कोई और ग्लिटर नहीं लोगे, ट्रस्ट में ये इतना अच्छा फिनिश इसका है। तो अगर आप 3 शेड लेना चाहते हो, हार्ट ऑफ गोल्ड ले सकते हो, गोल्डन टोन में है तो ब्राइड के ऊपर यूज हो जाएगा, सैम्पेन विसेस एंगेजमेंट ब्राइड के ऊपर यूज हो जाएगा, प्रोस्लिन थोड़ा सा और लाइट शेड है तो ये डेफिनेटली क्रिश्चियन ब्राइड अगर आपके पास आती है उस पर भी आप यूज कर सकते हो। मैंने 3 ही शेड परचेज की, इसका जो प्राइस है वो 1400 रुपीज है, काफी महंगा इस वजह से। आगे अगर मैं इसमें और सारे शेड परचेज करूंगी तो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगी। सो यही था आज का वीडियो, मेरे पास इतने ही ग्लिटर है और ग्लिटर है बहुत सारे जो कि थोड़े से अफोर्डेबल में बट मैं यूज नहीं करती हूँ इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ। इस तरह का आप भी बॉक्स रख सकते हो, मैंने इसमें कुछ जेल लाइनर भी रखे हुए हैं। सो अगर आप मुझे बोलोगे ना कि जेल लाइनर और लिक्विड लाइनर के ऊपर अलग से वीडियो बनाना है तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती है। गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल तो जरूर होगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ये वाला लुक आपको देखना है अगर या तो मैंने पहले डाल दिया होगा या बाद में डाल दिया होगा तो आप जरूर देख लीजिएगा। एंड इस तरह के और आपको हेल्पफुल वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोग की हर एक रिक्वेस्ट को पूरी करने की कोशिश करूंगी। एंड इस जुलाई में मैंने सोचा है कि आपको ना मैं हेल्पफुल वीडियो ही शेयर करूंगी जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो बाकी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इवन गाइस आपको मेरे माय हॉरोस्कोप पैक का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां मेरे सारे प्रोडक्ट आपको एक लिंक पे ही दिख जाएंगे क्लिक करने पे। तो आप मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा श्रुति मन्नत ने को, मेरे चैनल का नेम है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, मैं बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।